मेरा नाम मोहम्मद अली है जी, और मैं टू सर्किल डॉट नेट का डेली कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं शकील अहमद साहब से, जो कि तैमूर नगर में की मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पे पिछले 17-18 सालों से हैं। इस एरिया को उन्होंने बहुत शुरू से देखा है। तो शकील साहब, आप यहाँ पे इतने दिनों से रहे हैं, यहाँ के जो मुसलमानों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे? जी जी जी, यहाँ के लोगों की परेशानी तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेचारे बहुत गरीब लोग यहाँ बसे हुए हैं। जी जी, और ऐसे गरीब हैं कि कुछ घरों तो ऐसे हैं जो बेचारे जो है वो खाना खाने पर मोहताज हो जाते हैं। ऐसी परेशानियाँ, कुछ विवाहें औरतें ऐसी हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारोबार ये है कि वो ये कबाड़े के काम करते हैं, कुछ फेरी लगाते हैं, कुछ मतलब ये है कि इधर उधर कुछ दुकानों में काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है यहाँ पे कि ये लोग जब अपने कामों पे चले जाते हैं तो न जाने कौन सा शक्ल इख्तियार करती है ये पुलिस, जो मतलब ये है कि वो जो जिस काम पे होता है तो उसी को वहाँ से उठा करके अब फौरन मतलब ये है कि उसको बंद कर देते हैं इस बुनियाद पे कि तुम बांग्लादेशी हो, तुमको बांग्लादेशी भेजना है। उनके पास तो सब कुछ है, सारे प्रूफ्स हैं, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? उसके बावजूद भी करते हैं। अब ना जाने ये पुलिस की क्या हरकत है, पैसा लेके लेकिन छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं, पैसा लेते हैं और छोड़ देते हैं। जी जी, ये तो पुलिस वालों की जो है ये कमाई हो जाती है, समझ लीजिए, या क्या है उसका। आप बता रहे थे कि यहाँ से ये हर 3 महीने पे 4 महीने पे लोगों को बांग्लादेश भेजते हैं, जरा बताएंगे उसके बारे में। 3 महीना 4 महीने पे जो है इस गोदाम से भी, इस पहाड़ी नंबर 1 से भी लेते हैं कुछ लोगों को, और कुछ जो है उधर से भी लेते हैं 2 नंबर पहाड़ी से भी, और कुछ मतलब इधर उधर से लेकर के, यानी उनको गाड़ी पैक करना होता है। दिल्ली में तो न जाने कितनी जगह ऐसी है जिसके बारे में हमको अंदाज नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में जैसा आता है, लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर पहाड़ी के बारे में हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि यहाँ लोग बसे हुए हैं। ये आसाम के भी है और कुछ बिहार के भी है, बंगाल की हावड़ा और कहाँ कहाँ के हैं। लेकिन इन लोगों को भी मतलब ये है कि इस बुनियाद पर उठाते हैं कि तुम बांग्लादेशी हो, हालांकि इनका पूर्व जो है आज से 25 साल पहले का भी बना हुआ है। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जन्म लिया यहाँ, शादी ब्याह यहाँ, सारी चीज़ें हुई है, उसके बावजूद भी उस बच्चे को भी उठाया जा रहा है। ये तो ऐसे ऐसे कुछ, और ये हर 3 महीने पे होता है, हर 3-4 महीने पे होता ही रहता है। अच्छा जी, तो ऐसे कुछ केसेस तो आपके सामने आए होंगे जो कि यहाँ इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जी, और पता चला कि 1 महीने के बाद पता चला कि वो है ही नहीं, वो बांग्लादेश भेज दिए गए ऐसे। हाँ हाँ, ये मोहम्मद सोहराब साहब एक हैं जी जी, जो आते थे, और आज के डेट में ये हमने दोपहर में मैंने तलाश किया उनके बारे में पूछा, पता चला कि आज से 3 दिन पहले उनको तो पुलिस ले गई। अच्छा, इस बुनियाद पे ले गई है कि वो बांग्लादेशी है और भेज दिया गया। रानी को भी लेगी, आज ही के डेट में 2 केस है। जी 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 जी, ओके। रानी को लेगी, बेचारी जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोड़ करके जाती है काम करने के लिए, आज वहाँ से पता चला, हमको भी जोहर से पहले ही पता चला कि रानी को पकड़ के लेगी। इस तरीके से केस आते रहते हैं। तो इसका कोई ऐसी सुनवाई हो, कोई ऐसे रास्ते हो जिससे यहाँ के लोगों को यहाँ पे जीना, इन लोगों के लिए आसानी की जिंदगी हो, बशासत के साथ यहाँ पर जी सके। अच्छा, आप जो किस मस्जिद के इमाम हैं, आपकी एक बड़ी रिस्पेक्टेबल फिगर है, आपने कभी ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात नहीं की आपने? हल्की फुल्की हमसे बातचीत होती रहती है, हम लोग इस मुद्दे पे सियासत के मौजू पे बातचीत नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये तो लोगों, आम लोगों का मसला है ना। जी हाँ, तो फिर मतलब जाते तो जैसे आसिफ मोहम्मद खान है वो आते हैं, जी जी जी, परवेज हाशमी है वो आते हैं, फिर काउंसलर हैं दानिश, उनसे उनसे बात किया आपने कभी? हाँ, कभी जाते हैं इन लोगों के साथ में, जब एक कम्युनिटी बनती है, एक जमात की शक्ल में बन करके जाते हैं, उनके सामने रखते हैं ये मुद्दा। जी जी, वो यही कहते हैं कि ठीक है, तुम लोगों के साथ हम हैं, कौन सा पुलिस है उसका जो है बैच नंबर या कुछ ऐसा बतलाते हैं, ऐसी शक्ल के मतलब ये है कि नाम लेकर के आओ, तो वो थाना में किसी थाने में फोन करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, तो उस पर जो है वो दरा शक्ति करते हैं। तो शायद के कुछ दिन के लिए अगर वो नहीं पकड़ पाते हैं, वो 2-4 महीने का वक्फा जो होता है, तो शायद इसी वजह से कि उनकी डांट पड़ती होगी। अच्छा, या क्या है, ये तो हम समझ नहीं सकते। लेकिन फिर वो फिर मामला 4 महीने के बाद फिर वही हो जाता है। जी, आप बता रहे थे कि इस मामले को कोई सोल्यूशन नहीं है, आई मीन इसी तरह रहेगा ये जब तक के कोई बड़े लेवल पे कुछ काम ना हो। हाँ, तो बड़े लेवल के मतलब ये है कि सारे पुलिस वालों की इस बात की तलाश दी जाए कि मतलब आखिर कैसे, यानी DSP SP इन लोगों से मुलाकात करके ये सोल्यूशन होनी चाहिए, उन लोगों के सामने ये बात रखनी चाहिए।
ये तो छोटे छोटे मतलब SHO वगैरह इधर उधर छोटे छोटे हैं, इन लोगों से खा करके मतलब ये है कि काम नहीं हो पाता है, वैसे ही जैसे रहता वैसे ही बनता रहता है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब।